दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पार्टनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम वीकली गूगल पार्टनर सर्टिफिकेशन को कैसे हासिल कर सकते हैं और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गूगल पार्टनर सर्टिफिकेशन आखिर है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों गूगल सर्टिफिकेशन एक प्रोग्राम है जो गूगल द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसमें एक एग्जाम ली जाती है जिसको पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है गूगल की ओर से और आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेशन आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये सर्टिफिकेशन गूगल के द्वारा ही रिकग्नाइज किया जाता है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल है और गूगल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। तो जब भी कोई कंपनी आपको हायर करती है उसका मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल है और गूगल के बारे में अच्छा खासा जो है वो नॉलेज रखते हैं। तो गूगल आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों समझ लीजिए कि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास गूगल पार्टनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो मेजर करता है लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो एक प्रोफेशनल है और अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। जो गूगल ने उसे सर्टिफिकेट दिया है इसका मतलब ये है कि आप जो गूगल की टर्म कंडीशन है, पॉलिसी है, उसके जो कैंपेन्स है उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके जो एक्सपीरियंस है उसे इग्नोर करेगी और आपके सर्टिफिकेशन को ज़्यादा महत्व देगी और उनको पता चलेगा कि अगर इस पर्सन को हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल बन सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा सा प्रोग्राम है, इसे हर एक को ज्वाइन करना चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप शॉर्टकट तरीके से या फिर ऐसा कह लीजिए कि क्विकली कैसे गूगल सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक अपना गूगल पार्टनर अकाउंट में जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, गूगल में सर्च कीजिए गूगल पार्टनर और ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। दोस्तों ये पेज इसलिए ओपन हुआ है कि मैंने ये जो सारी एग्जाम है वो क्लियर कर ली है, इसलिए ये सर्टिफिकेशन का जो पेज है मेरे सामने ओपन हो चुका है। जब आप पहली बार एग्जाम तो ये पेज आपके सामने नहीं आता, आपके सामने यहाँ से सीधा सी एग्जाम और टेक एग्जाम का पेज ओपन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडवर्ड एग्जाम है, एडवर्ड फंडामेंटल के जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, मींस के ये एग्जाम तो आपको देनी है और पास करनी है, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए यहां से देख लेते हैं सी एग्जाम। तो दोस्तों ये जो है एडवर्ड फंडामेंटल्स ये आपको पास करनी कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन से 80% आपको लाना ही लाना है और इसमें चार लेसन है, चार अलग अलग पॉइंट से उसमें आपको क्लियर करते जाना है। तो दोस्तों ये तो आपको कंपलसरी इसे क्लियर करना ही है। और दोस्तों क्विक कैसे कर सकते हैं, जब भी आप ये पास कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आपको ये 5 एग्जाम में से 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम में से कोई एक एग्जाम कंपलसरी क्लियर करनी ही है, इसके बाद ही आप गूगल प्रोफेशनल या गूगल सर्टिफाइड हो सकेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा वरना आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि गूगल एडवर्ड फंडामेंटल क्लियर करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमारे पास क्यों सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये तो पास करनी ही करनी है, उसके साथ ये 5 में से कोई एक एग्जाम पास करनी है। तो दोस्तों अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो है वो किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं इसे चुनिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट है या डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में, वीडियो एडवर्टाइजिंग, मोबाइल या शॉपिंग, तो दोस्तों ये 5 एग्जाम में से आपको कोई एग्जाम क्लियर करनी ही पड़ेगी। दोस्तों आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड को चुनिए। तो दोस्तों अगर करता हूँ कि अगर आप क्विकली
गूगल सर्टिफाइड को गेट करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सर्च एडवर्टाइजिंग को छोड़ दीजिए, इसमें मत पड़िए, क्योंकि ये सर्च एडवर्टाइजमेंट है जो बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें मास्टर है तो बेशक कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर है और सर्टिफिकेट गेट करना चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसमें भी 120 मिनट्स है, 100 क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 100-100 क्वेश्चन दोनों में है और उसमें से आपको 80 लाने ही लाने हैं, तो ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। वीडियो एडवर्टाइजिंग, ये आपके लिए थोड़ा राहत देने वाला है क्योंकि इसमें 74 क्वेश्चन है और 19 मिनट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोबाइल एडवर्टाइज यहाँ पे 90 मिनट्स, 70 क्वेश्चन, 80% स्कोर, तो ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है। और सबसे अच्छा ऑप्शन है शॉपिंग एडवर्टाइजिंग, 63 क्वेश्चन है ओनली और यहाँ से आपको 80% मार्क लाना है, इसका मतलब है आपको 51-52 के आसपास आएगा तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और ये जो है वो एकदम मीन्स के कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, बिल्कुल ही एक आसान तरीका है इसे पास करने का। तो दोस्तों मेरी सजेशन ये है, मेरी राय ये है कि आप जो है वो गूगल एडवर्ड फंडामेंटल क्लियर करने के बाद मोबाइल या फिर शॉपिंग, ये दोनों एग्जाम में से एक क्लियर कर लीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीके से सर्टिफिकेट को गेट कर सकेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये दोनों में से आप जिसमें भी एक्सपर्ट है, ये दोनों में से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको गूगल के जो पेज है वहाँ से आप इसके लिए जो मटेरियल्स है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार रिफ़र कर लीजिए, उसमें से सारी क्वेश्चन उसमें से भी होते हैं, तो आप एक बार उसे रिफ़र कर लीजिए। दोस्तों जब आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपके पास ये देखिए दोस्तों, पास्ट एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम जो है पास मैंने कर लिए, तो ये सारे एग्ज़ाम के आप सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एनालिटिक का है, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और आपके रिज्यूम के साथ अटैच करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है और आप अगर इसे यूज़ करते हैं मेथड को, तो आप 100% पास हो जाओगे, क्योंकि गूगल फंडामेंटल तो आपको क्लियर करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बड़े सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी अगर हो सकते हैं आपको कंफ्यूज कर सके, तो मेरी राय ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक को चूज़ कीजिए, आप बहुत ही आसान तरीके से पास कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चंस अराइज होता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस में क्वेरी होती है, उसका आंसर नहीं मालूम होता, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आप गूगल सर्टिफाइड हो जाते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।